आधा घंटा पौना घंटा पहले मुझे पता लगा कि मेरे गांव के मंगल बाजार रोड पर एक 3 साल की बच्ची के साथ कोई घिनौना काम हुआ है। कि गोद में से उठा के रूम में कुंडी लगा के उसका रेप कर दिया, उसका ज्यादा ब्लड चल रहा है, जीने के भी समला कम है, मुसलमान है। उसके बाद बोला कि हिंदू के क्या करेगा। 3 साल की बच्ची उसे क्या दिखाएगी, क्या लटके झटके जलवे दिखाएगी। ये सिर्फ हमारी आवाज को पूरा समझ नहीं रहा है, पूरे हिंदू राष्ट्र को हम कह रहे हैं हमने बराबर समझा तो हमारे घर में घुस के बच्चियों का रेप हो रहा है। उसकी मानसिकता, उसकी पढ़ाई, जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, चाहे वो पांडव नगर हो, चाहे अन्य दिल्ली का देश का कोई भी कोना हो, वो करने वाले जिहादी और बच्चे हिंदू ही मिल रही है। माता पिता आते हैं जिनकी बच्चियों के साथ ये गलत काम होता है, परंतु वो समाज के डर के मारे कि हमारी बच्ची का विवाह नहीं होगा, परंतु विवाह तो उसका नहीं होना चाहिए, उसका फांसी के सजा होना चाहिए, ना तो पब्लिक के हवाला होना चाहिए। पुलिस क्यों नहीं संज्ञान ले रही है। दिल्ली में महिलाएं तो कहीं ना कहीं सुरक्षित थी ही नहीं, लेकिन अब छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं रही। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के पश्चिम विहार वेस्ट थाना क्षेत्र में, जहां से अभी कुछ देर पहले एक दिल को दहला देने वाला मामला हमारे सामने आ रहा है, जहां पर बताया ये जा रहा है कि मात्र 3 साल की बच्ची के साथ यहाँ पर दुष्कर्म किया गया है। और हैरानी की बात तो ये है, जिस शख्स ने दुष्कर्म किया वो और कोई नहीं बल्कि बच्ची के पड़ोस में रहा करता था। इस वक्त बच्ची का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनके साथ जुड़ेंगे और पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उस बच्ची के पिता हमारे साथ मौजूद है, एक बार इनके साथ जुड़ेंगे और पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या उम्र थी बच्ची की? 3 साल बच्ची की उम्र था। उसके की काम करा कि गोद में से उठा के रूम में कुंडी लगा के उसका रेप कर दिया, उसका ज्यादा ब्लड चल रहा है, जीने के भी समला कम है। उसके बाद बोला बच्चा, सब पब्लिक लोग जुटा तो देखा कि हल्ला काहे हो रहा है, अंदर गया तो गोद में उठा के लाया बच्चा के, तो बेहोश पड़ा हुआ, ज्यादा ब्लड चला का, वो जीने को उसका फंसला। आप उस वक्त कहाँ पर थे जब ये पूरी घटना घटित हुई है? मैंने काम पर था, मैं नहीं था। अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले, एक डेढ़ घंटा पहले हुआ है। साहिर नाम है उसका, मुसलमान है। और उसके बाद बोला कि बोला हिंदू के क्या करेगा, ऐसे बोला है। उसने गाली दिया, मैं नहीं गाली दे रहा, कह के भाग गया। अच्छा, जब आप काम से लौटे तब आपने देखा कि वो वहाँ पर मौजूद? काम पर तो बच्ची बेहोश पर रखा था। आपने ये सब कब सुना जो आप बोल रहे हैं कि उसने बोला है? मैंने पूरा आगामा हो रखा था, मैंने आया था जैसे 10 मिनट के अंदर, मैं आया था, भाग गया। उसका 2 भाभी था, उसने बेलगा दिया, भाई 3 भाई 4 भाई वो फरार हो गए। पुलिस में आप लोगों ने कंप्लेंट दाखिल कर दिया? 16 नंबर के आया तो कॉल करा, कहा कि देखिए ऐसे ऐसे करना हो गया, तो पुलिस वाला आया है। इसके साथ इंसाफ होना चाहिए कि फांसी होना चाहिए, ना तो पब्लिक के हवाला होना चाहिए, ना तो मैं कुछ नहीं मानता। कौन से थाने में मामला गया? अभी मियां वाली थाने में गया है। पुलिस ने कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया है? कुछ नहीं दिया। वो संजय गांधी में लेके कुछ भी नहीं दिया है। अभी पुलिस वाला ही कह रहा है कि अभी शांति रखिए, पुलिस वाला कह रहा है कि शांति रखिए, शांति करवाइए मोहल्ला का। आपके घर में किसी के घर में बहन बेटी है कि नहीं? सबका बच्ची है, और 3 साल का बच्चा के क्या गलत था? आप लोग से पूछना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी, हमेशा मात्र लड़कियों को टारगेट किया जाता है, मात्र शक्तियों के बोला जाता है। यहाँ आप देखिए, सिर्फ गंदी मानसिकता है, इससे ज्यादा गंदी दरिंदगी नहीं हो सकती। एक 3 साल की बच्ची क्या किसी को सेड्यूस करेगी? 3 साल की बच्ची उसे क्या दिखाएगी, क्या लटके झटके जलवे दिखाएगी? ये सिर्फ हमारी आवाज को पूरा समझ नहीं रहा है, पूरे हिंदू राष्ट्र को हम कह रहे हैं, हम पूरे भारतवर्ष को कह रहे हैं, पूरे विश्व में कह रहे हैं कि सुन लीजिए, जाग जाइए, ये लोग हमारे घर में घुस के ऐसा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप जो मुस्लिम शख्स के बात बता रहे हैं कि दूसरे जो है मजहब से वो ताल्लुक रखता था, क्या आप उन्हें पहले से जानते थे? पहले से उसका भाई भौजा इस तरह के जानते थे। आपके घर में मतलब आना जाना था उन लोगों का? नहीं, उसका नहीं आना जाना था, उसका भाई के था। वो कौन था? वो कब आया था यहाँ पर इस एरिया में? वो एरिया में 6 महीना से रह रहा है। और पहले भी आपके बेटे 3 साल से, आपकी बेटी ने पहले भी कोई ऐसी शिकायत की थी कि इस तरीके से उनके साथ कुछ हुआ? बोल भी नहीं रहा है, तो कहाँ से बोलेगा? वो तो मम्मी पापा कह रहा है,
वो इससे अलावा कुछ बोलता नहीं है। घर में वो घुसे हैं और फिर उसके बाद उन्होंने इस हरकत को आंगन में से गोद उठा के ले जाके या कुंडी लगा दिया घर में, यानी कि घर में जान पहचान थी, तो इसलिए आप लोगों ने भी कुछ नहीं कहा होगा। छोटा बच्चा था, मैं देखा कि भाई ऐसे भी कोई बच्चे गोद उठा लेता है। हम लोग सदैव जो हमारी एक मानसिकता है, जो हमारा धर्म, साल का बच्चा गोद उठा के लेके गया है, बार बार कह रहे की एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र सब बराबर है, सिर्फ क्या हम ही बराबर है? हमने बराबर का नतीजा देख लिया है, हमने बराबर समझा तो हमारे घर में घुस के बच्चियों का रेप हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में या केंद्र सरकार तक हमारी ये इस आवाज को पहुँचाइए, अन्यथा हम यहाँ रोड पे जितना चक्का जाम, बच्चे को मारने की कोशिश के भी कम उम्मीद है, बच्चा के जीने के भी कम उम्मीद है, बच्ची मर जाएगा, ज्यादा ब्लड चल रखा है वो जिएगा नहीं। इसकी क्या भरपाई है? किसी के बच्चे की जान से किसी का बच्चा, इससे बड़ी क्या क्षति होगी? एक छोटी सी मानसिकता उसकी देखिए, उसकी खुद की भतीजी वहाँ घर के अंदर है जो छोटी है, उनके साथ बलात्कार नहीं कर रहा है, कर रहा है तो किसके साथ? हिंदू बच्ची के साथ। उसकी मानसिकता, उसकी पढ़ाई, जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, चाहे वो पांडव नगर हो, चाहे अन्य दिल्ली का देश का कोई भी कौन हो, वो करने वाले जिहादी और बच्चे हिंदू ही मिल रही है। इनकी पढ़ाई कौन से मदरसे में हो रही है, कौन सी मस्जिद में हो रही है, ये जांच का विषय है। ऐसी जो ये नरपिशाच बख्शी बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं, जांच का विषय है। क्योंकि बच्चियाँ शिकार सिर्फ हिंदुओं की हो रही हैं और निरंतर बलात्कार हो रहा है, 1, 2, 3, 4 रोज नई नई खबरें मिल रही हैं। आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ये कंटिन्यू निरंतर होता रहा है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर हम सिर्फ ये कहते हैं विकृत मानसिकता, बीमार मानसिकता तो अपनी बच्ची के साथ भी हो सकती है, ये सोची समझी साजिश है। ये मानसिकता उनकी ये है कि इनको टारगेट करो, काफिर, हमारा शब्द नाम क्या है, काफिर, उन लोगों ने हमें काफिर समझते हैं वो हमें, इसीलिए, और इससे हो सकता है, इससे मुकाबला करते तो ये बराबर था। उस तीन साल की बच्ची वो कितनी चिल्ला रही हो, कितनी चीख रही होगी, सोच के आप सोचिए, अब तो एक महिला है कि कितनी तकलीफ की बात है। ये छोटी बच्चियों का जो मामला है ना, ये दिल्ली के अंदर ऐसा चल रहा है कि इनको टारगेट किया जा रहा है, बहुत नाबालिग बच्चियों को। ये तो तब है जब हम पता चल जाता है कि इस बच्ची के साथ हुआ है। कितनी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा, या पुलिस ला रही है, हमारे संज्ञान में पुलिस लाती है, कहीं से पकड़ के लाती है और बोलती है कुछ नहीं हुआ इनके साथ, ये तो अपने किसी जानकार के। संदेश और देना चाहूंगी, एक संदेश और देना चाहूंगे समाज को, बहुत सारे बच्चे मेरे आश्रम में आते हैं, बहुत सारे माता पिता आते हैं जिनकी बच्चियों के साथ ये गलत काम होता है, परंतु वो समाज के डर के मारे कि हमारी बच्ची का विवाह नहीं होगा, परंतु विवाह तो उसका नहीं होना चाहिए, गलत तो उसने किया है। किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी माता पिता के साथ कुछ गलत होता है तो हम सब उसके साथ है, उसके साथ उसका कोई कसूर नहीं है। उसका फांसी का सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग बोले जाओ, सजा होना चाहिए। आपके भी घर में बच्ची है, सारा पंच के घर में बच्ची है, तो उसका फांसी का सजा होना चाहिए। फिलहाल अभी पुलिस अंदर है, जांच कर रही है, पुलिस वाला गया है, पुलिस वाला कहा तक आ कि यहाँ शोर काय हो रहा है, पब्लिक लोग आया तो पब्लिक लोग कहा कि ये बतिया 4 3 के बच्ची के घर में होएगा, तो गली में शोर होएगा, होएगा गली में शोर होएगा कि नहीं होएगा, किसु के घर में भाई बहन है, तो ये चीज के हमारा इंसाफ चाहिए, उसका फांसी के सजा होना चाहिए, ना तो पब्लिक के हवाला होना चाहिए। पब्लिक के हवाले कर दिया जाए तो बहुत बेटर है ना, ना टारगेट हर बार हिंदू बच्चे ही क्यों हो, क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? और मेन जैसे पता चला है कि वो भाग गया है, जो भी था जिसके जिन्होंने क्या बलात्कार, वो भाग गया है, बट उसकी 2 भाभी घर में थी। बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है, डॉक्टर द्वारा पुष्टि हो गई है। हाँ, डॉक्टर द्वारा पुष्टि हो चुकी है, अभी गए मेडिकल के लिए गए हुए हैं, बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है। अगर आप बच्चे की हालत देखेंगे तो डॉक्टर की भी जरूरत नहीं, आप स्वयं बता देंगे, बच्ची लहूलुहान है और सब चीजें बता रहे हैं। सुनिए, वो भागने का मतलब ही एक्सेप्ट करना है, भागने का, अगर हम मौके से भाग गया है तो एक्सेप्ट करना ही है। फैमिली को, मैम फैमिली को डिटेन करना चाहिए, फैमिली को पता होगा कि वो कहाँ गया है। 1 घंटे में कोई अपराधी इतने दूर नहीं भाग सकता, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, क्या रिकॉर्ड्स के अंदर कहीं पर भी ऐसा आया है कि कोई हिंदू कसूरवार हो और कोई सामने वाला? हम तो उनके लिए कोई ऐसा शब्द भी यूज नहीं करते, हम तो ऐसा, हम एक ही शब्द यूज करेंगे, विधर्मी, क्योंकि हमारे धर्म में ये सब नहीं सिखाया जाता किसी बहन बेटी का अपमान करना। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, क्या सर कलम हो गया,
नुपुर शर्मा के अगर फेवर में एक बात कही गई तो उसकी दुकान पे जाके सर कलम कर दिया गया। यहाँ पे हाँ ये सब, और यहाँ पे देखिए हम सिर्फ रोड पे खड़े होके, हमारे पास हमारा तरीका गलत है, हम सिर्फ प्रोटेस्ट करना जानते हैं, हम सिर्फ प्रोटेस्ट करना जानते हैं। लोग सोचते हैं दो घंटे चार घंटे भौंक के अपने घर चले जाएंगे, हिंसा नहीं करते, हिंसा नहीं करते, और ये मजबूर कर रहे हैं, ये मजबूर कर रहे हैं कि हम भी घर में जाएं और इनको बताएं, क्योंकि मैं तो धर्म से जुड़ी हूँ, साध्वी विश्वरूपा, शास्त्र के साथ शस्त्र भी हमेशा उठाया जाता है हमारे धर्म में, हमारे धर्म में हमेशा शस्त्र उठाया जाता है। चार भाई रह रहा है दिल्ली में, तीन भाई कभी पीला गाड़ी में पुलिस वाला धर नहीं रहा है, नहीं बुला रहा है, गलतियाँ चार है कि नहीं? चार भाई है पुलिस भाई उसका जो गलत करा है, तीन भाई पीला गाड़ी में काम कर रहा है, अभी तक ला पुलिस वाला बोला पुलिस ने, यानी उनके परिवार को भी नहीं पकड़ा, परिवार के पकड़ा है, दो भाभी के बच्चा का, अभी तक ला उसका तीन भाई है ये पीला गाड़ी में काम कर रहा है टोटी वाला में, उसका भी मान के चलो अभी तक ला भाई के भी नहीं बुलाया है। चाहती हूँ कि अभी यहाँ पे पूरा हम लोग चलते हैं और गली थाने में चलेंगे, सब मिलके चलेंगे, यहाँ पे थाने के बाहर पकड़ा नहीं जाएगा, ये पब्लिक यही सड़क पर रहेगी, क्योंकि मैं आपकी जानकारी में बता दूं पिछले आठ महीनों में, क्योंकि आठ महीनों से हम ही सब, हमारा विश्व हिंदू परिषद, हम लोग विभिन्न सामाजिक संगठन, आठ महीनों में हमने पूरा रिकॉर्ड निकाला है, यहाँ पर कम से कम 70 से ऊपर पॉक्सो केसेस दर्ज किए गए हैं, उसके बाद भी पुलिस क्यों नहीं संज्ञान ले रही है इस, और क्यों नहीं गंभीरता से विचार किया जा रहा है, और सभी कसूरवार, सभी अपराधी विधर्मी हैं, और सारी विक्टिम्स छोटी छोटी बच्चियां, ये छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट कर रही हैं मैम, रिकॉर्ड में है, आप आगे दर्ज कीजिए, जब तक पुलिस उन्हें डिटेन नहीं करेगी। हमें कहा जाता है कि जो भारत में रहता है, जो हमारे हमारे दिमाग में जो बात कम्युनिस्ट बना दिया गया है ना, हमें जबरदस्ती कि इनको भी अपना लो, इनको भी अपना लो, रोहिंग्या को भी अपना लो, बांग्लादेशियों को भी बुला लो, सबको हमारी छाती में बिठा दो, वो सीमा भाभी, हैदर भाभी आके बैठ गए, लोग उसकी पूजा करने जा रहे हैं, उसको फिल्म दे रहे हैं, शर्म तो सभी को आनी चाहिए, ये हमारे समाज में बदलाव नहीं आ रहा है, ये हम है ही नहीं है, आज अगर इस बहन को परेशानी होती है, मान लो कमरा दिया या उसे उन्होंने पेपर बनवाया, उस जिहादी की मानसिकता आपने बताया ना, जो तीन साल बच्ची के साथ कर रहा है, आप ये सोचिए, आप ये मत सोचिए कि कमरा नॉर्मल व्यक्ति को कोई कहीं भी दे सकता है, इस तरीके से बयानबाजी मीडिया की तरफ से नहीं होनी चाहिए, कमरा किसने दिया, इसने घुसाया, सुनिए समरसता का भाव, एकता का भाव, कमरा किसने दिया, हमें ये बात हमें क्यों पढ़ा जा रहा है, राष्ट्र में सारी जातियां रहती हैं, सारे धर्म रहते हैं, हमारा राष्ट्र सबको अपनाया हुआ है, सुनिए, अरे हेलो, तरीके की बात होती है, आप पुलिस इंक्वायरी में रूम किसी को कहीं भी दे सकते हो, वेरिफिकेशन करवाया था पुलिस, वेरिफिकेशन करा के कराया होगा, नहीं कराया होगा तो मकान मालिक जाएगा, मेरी बात सुनो, आज मामला हुआ, परंतु आप सुनिए, जांच का विषय, आप मेरी बात, उस जिहादी की बताइए जिसकी मानसिकता ऐसी है, रेप बड़ी बड़ी समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हम क्यों भाईचारा निभा रहे हैं, ये है आपका सवाल, यही है, अम्बेडकर में नगर में वो अम्बेडकर हॉस्पिटल में वो तो बहुत पढ़ा लिखा था, लेक्चरर था, क्या करा उसने लड़कियों के साथ, ये मानसिकता इनके में भरी हुई ना गंदी मानसिकता, ये अरे उसका तो वेरिफिकेशन था, डॉक्टर का तो वेरिफिकेशन था, दे रहे हैं कमरा, सुनिए, इनको फंडिंग की जाती है गलत काम करने के लिए, कमरा इसीलिए दे रहे हैं, सरकार ने इतना दबाव बनाया हुआ है, सरकार ने जानबूझ के हमारे पास बैठा दिया है, आजाद भाई आजाद, विनोद भाई मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल, जय श्री राम लगाने नारे लगाते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, जय श्री राम, समस्या है, देखिए कमरा देने की बात ये है, आप राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसको समझते हैं, लोग फ्री के चक्कर में इतना लालच, इतना सब कुछ खत्म कर दिया है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, व्यक्तियों को सुनो, व्यक्तियों को, प्रत्येक व्यक्ति को
प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने बिल्कुल कहते हैं कि काम से दूर कर दिया है। लोग निठल्ले हो चुके हैं, फ्री की खाने की आदत हो चुकी है। आज मैं चार दिन आपके घर पैसा भेज दूं, मेरे आश्रम से खाना आ जाए। सुनिए, ये बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है ये, और राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, ये कोई मैं और आप नहीं कर रहे हैं। दबाव है, अगर मैं आज चार दिन ये आप सुनिए, अगर मैं आज चार दिन आपके घर भोजन भेजती हूँ, पांचवे दिन आप सोचोगे आज मैं धूप में क्यों जाऊँ। समझिए बात, ये मानसिकता है। सब कुछ फ्री में मिल रहा है, लोग आज केजरीवाल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं किसी संत हूँ, मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है, परंतु अपने धर्म के साथ इतना गलत हो रहा है तो जन धर्म का है हम उसी के, जो धर्म का हम उसी के। बिल्कुल, जो दिल्ली में खुद सिक्योरिटी दे रही है उनको कैसे सिक्योरिटी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो बच्चा अपने घर में रहता है 8 साल 11 साल के, ऐसे लोग जाके उसका गर्दन काट देते हैं। इनकी मानसिकता खराब है, भी है। हाँ, तो इनकी मानसिकता खराब है। हमारे कहने का मतलब कुछ नहीं है, यदि हिंदुस्तान रहना है तो जैसे हम रह रहे ऐसे रहना पड़ेगा। आपको अपनी मानसिकता सुधारनी पड़ेगी, वरना आप जहाँ से आए थे, सुनिए आप अजी क्या करो, वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जब आपको पता है कि उनकी मानसिकता खराब है, उसका हिंदू को मेरी बात सुनो। कई बार पुलिस वेरिफिकेशन के बाद रूम दे दिया जाता है। हर व्यक्ति गलत नहीं है, हर व्यक्ति गलत नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जो गलत है उसका विरोध है और रहेगा। मैं थान सिंह यादव, दिल्ली पंचायत संघ के प्रमुख के नाते मुझे सूचना मिली पीरागढ़ी गांव में बच्चे के साथ गलत हुआ है, तो मैं अभी बाद में यहां पहुंचा हूं। लेकिन ऐसे जो विषय है, ऐसे जो कांड हैं, ये देश में कहीं भी बर्दाश्त नहीं होंगे। लेकिन मैं गांव के नाते कहता हूं, हम गांव में ऐसे कोई जो भी कृत्य हैं ये गंदे, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरी शासन प्रशासन से और पुलिस से ये हाथ जोड़ के विनती, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए। हमारे जो पंच प्रमुख के पीरागढ़ी गांव के विनोद शोकिन जी मेरे साथ खड़े हैं, और इन्होंने भी बताया ऐसे हो गया, तो सब लोग में गुस्सा है इस बात को लेके। तो इस पर पुलिस जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे इनके खिलाफ, और ये छोटी बच्चियों के साथ जो है ऐसे जो घिनौने अपराध जो बढ़ रहे हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। देखिए, इस गांव के प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ जुड़ेंगे और इनकी राय जानेंगे। जी सर, आधा घंटा पौना घंटा पहले मुझे पता लगा कि मेरे गांव के मंगल बाजार रोड पर एक 3 साल की बच्ची के साथ कोई घिनौना काम हुआ है। मैं प्रशासन से ये उम्मीद करूंगा कि जितनी सख्त से सख्त, जितनी कठोर सजा ऐसे व्यक्ति को मिले और इस परिवार को न्याय मिले जिसकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। समाज में इस घटना के कारण बहुत ज़्यादा रोष है, हम चाहते हैं कि तुरंत न्याय मिले इस बच्चों को। तो देखिए, फिलहाल सब लोग जो है पश्चिम विहार वेस्ट थाने पर आ चुके हैं और लगातार वो जो है इंसाफ की गुहार लगाते इस वक्त नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी इस पूरे मामले का आरोपी था वो तुरंत ही वारदात को अंजाम देते ही फरार हो गया, जिसके बाद जो है लोगों की यही मांग है कि उस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि उस बच्ची की उम्र सिर्फ और सिर्फ 3 साल थी, और राजधानी दिल्ली में जिस तरीके के ये मामले हमारे सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं कि एक 3 साल की बच्ची को तक नहीं छोड़ा गया। इसके अलावा जो है कुछ दिनों पहले जो है यही मामला गीता कॉलोनी इलाके से आया था, जहां पर छोटी बच्ची के साथ ही दुष्कर्म किया गया था। अब दोबारा से जो है पश्चिम विहार वेस्ट थाना क्षेत्र से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। अब आप लोगों की इन बढ़ते मामलों को लेकर क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।